इस वक्त मौजूद है कैंप के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर के अंदर, और यहाँ स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीवर की लाइन जो डल रही है, जो कर्मचारी हैं जो इस काम को देख रहे हैं उनके द्वारा जो है इसका बेस नहीं बनाया जा रहा। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि घटिया मटेरियल जो है इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सारी बात यह है कि अब इसका वर्क ऑर्डर किसके पास है किसके पास नहीं, इन लोगों को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इनसे बात करेंगे, हमारे साथ स्थानीय जो व्यक्ति हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं और किन किन के पास आप गए समस्या? इस समस्या को लेकर हम जय से लेकर और विधायक के प्रतिनिधि तक को हमने बताया है जी। यहाँ पर जो एक बिल्कुल घटिया काम हो रहा है उसके साथ साथ ये परेशानी है, कोई सिस्टम नहीं है काम करने का। आप देख रहे हैं पूरी कॉलोनी को हर जगह से ढक रखा है, खोद रखा है, ना कोई कहीं से निकल सकता है ना कोई कहीं जा सकता है। जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे जब चलते हैं तो गिर जाते हैं कई बार, और कईयों को चोटें भी आई हैं। अब जहाँ अगर मान लो अभी शादी अगर हमारे को यहाँ करनी पड़े तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं है शादी करने के लिए, हर जगह खुदाई हो रखी है, कोई रिश्तेदार भी आना पसंद नहीं करता है। सीवर का काम जो हो रहा है ये कितने सालों के बाद हो रहा है और अब क्या क्या जो है इसमें समस्याएं जो है आप लोगों? ये जो कॉलोनी बसी थी ये 94 में बसी थी जी, 89 और 94 में बने थे। 94 के बाद यहाँ पर कोई भी सीवर लाइन नहीं डली, और जब से ही हमारे यहाँ पर सीवर का पानी भरता तो कई सालों तक हमने इसके संघर्ष करेगा बने। लेकिन जब आज वर्क ऑर्डर वर्क बन रहे हैं तो उसके लिए हम इतना दुख है, इतनी घटिया क्वालिटी का बना रहे हैं कि हमें वापस ही 3-4 साल बाद हमें फिर उसी गर्त में जाना पड़ेगा जितना हम इतने साल से झेल रहे थे। क्या वर्क ऑर्डर भी आपने निकालने की कोशिश करी, विधायक से भी बात करने की कोशिश करी कि क्या है आखिर ये किस तरीके से ये काम होने से? नहीं, उनसे बात हुई, उनके प्रतिनिधियों से मेरी बात हुई थी, जो यहाँ के उनके प्रतिनिधि है जो काम को उनको देख रहे हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनसे बात हुई थी, लेकिन उसका भी हमें कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब क्या जिस तरीके से काम चल रहा है, अब क्या चाह रहे हैं आप लोग किस तरीके से होना? हम यही चाह रहे हैं जब इतने सालों बाद इतने पैसों के बता रहे हैं जो कितने जितने भी इतने लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं उन पैसों का कम से कम सही से यूज हो। कॉलोनी में जो सीवर बन रहे हैं सही से बने ताकि हमें आने वाले टाइम कम से कम 20 साल तक तो हमें परेशानी ना हो, इस तरह से यहाँ काम हो। क्या कितनी हाई डिस्ट्री लगी जा रही है काम, आप लोगों ने शिकायत भी करी, सुनी गई या फिर नहीं सुनी? नहीं सुनी गई। दो से ढाई फुट का सीवर बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा 2 से 2.5 फुट का सीवर कौन सा होता है, वो भी ज्यादा ही बता रहा हूँ, 1.5 लगभग फुट का है। और उसके बाद जो भी इनकी खुदाई कर रहे हैं ये, और खुदाई करके सीधा पाइप लगा देते हैं, ना तो उसके नीचे ईंटें बिछाते हैं ना उनके नीचे रूढ़ी लगाते हैं ना सीमेंट डालते हैं ताकि वो पक्की हो। कल को वो लीक होगी, लीक होने के साथ क्या होगा, वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ज्वाइंट जो है आपस में क्रैक हो जाएंगे, जिसके कारण हमें फिर वही समस्या हो जाएगी जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ मिले सर, अभी थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे आपके घर के बराबर में काम आ गया है। अब किस तरीके का काम चल रहा है और क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? सर, बहुत ही निचले स्तर का काम है जी, बिल्कुल बेकार कह सकते हैं सर। मैंने आपको दिखाया, अब 3 फुट क्या मतलब 1.5 फुट भी नहीं है, वो सीवर लाइन 1.5 फुट ना हो सर वो काम कैसे करी। पर मुझे ये दुख होगा क्योंकि अभी अगर बारिश पड़गी ना तो पानी निकलना तो अलग, जो बाहर का पानी वो बैक मार के मेरे घर के अंदर पड़ जाएगा, तो सर हम कैसे उनसे निपटेंगे? और उनसे बात मैंने आज बात भी करी थी बर्थ वालों से, तो वहाँ एक लेबर के लोग होते हैं मेट वगैरह ही होते हैं सर, तो उनसे ही हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, वो कह लगे कि वो सर्वेयर है वो देखेगा, वो कहता यही देखेगा, बस कोई रिलायबल उनका कोई आंसर नहीं है। और हम ड्यूटी पैसा वाले बंदे हैं, हम इतना टाइम हमारे पास होता नहीं, अभी ड्यूटी जा रहा हूँ, लड़की आपसे बात होगी बात होगी, तो हमको मुलाकात भी नहीं हो पाती सर, हम लोग सारा दिन ड्यूटी वाले। और दुख इस बात का कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो अच्छे से खर्च होना चाहिए, हम लोगों को तनखाई नहीं आ रही दिल्ली में, हम दुखी हो रहे हैं। चलो ये अच्छे काम के लिए तो ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए सर, आपने देखा उसमें तो मतलब 1.5 फुट का कोई सीवर होता है, 2 फुट का कोई सीवर होता है और पानी बैक मारता है। सीवर के लाइन अभी भी ठीक से नहीं डली, नहीं पानी दोबारा से बैक मारेगा सर, अभी और चालू करेंगे तो क्या लग रहा है कि ये जो समस्या आप बता रहे हैं सुनेंगे लोग या ना क्या? सर कोशिश हम करेंगे, अब तब निकलना पड़ेगा, ड्यूटी घर से छुट्टी करके बाहर निकलना पड़ेगा, अब मैं तो कोशिश तो करनी पड़ेगी बताने के हिसाब से भी मिलूंगा, अब तो मिलूंगा क्योंकि अब मेरे घर के पानी अंदर आपको दिखा दिया मैंने, वो बैग मारेगा घर के अंदर जाएगा, बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? विधायक से भी बात, विधायक से सर हम ड्यूटी वाले बंदे, ये हमारे भाई साहब यही जाते हैं, ये सब जगह जाते हैं, इसमें हम तो हमारी कोई परेशानी होता है उनको बोलते हैं ये परेशानी हमारी दूर करते हैं, स्थानीय विधायक हमसे बात, हम मैं नहीं गया बाकी जाते हैं सर। जिस तरीके से काम चल रहा है आप कह रहे हैं मटेरियल भी ढंग का नहीं, मटेरियल बिल्कुल घटिया है सर, मतलब कोई उसको ना इसलिए सर घटिया है, हम मैं कहीं काम करता हूँ मेरे सर कोई बंदा मेरे को चेक करने वाला होना चाहिए तो मैं ठीक करूँगा सर, यहाँ कोई चेक करने वाला एक लीवर का बंदा आता है, वो जैसी मशीन लगा रखी है उसने जितना दिल करा उतना खो दिया, जितना जहाँ से उसको लेवल लगा अगर नीचे माली पत्थर है तो बस छोड़ दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परेशान होने हम लोगों ने होना और करोड़ों रुपये का भर के सर हम लोग दुखी होते रहे, तो इसलिए हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे किसी इतना पैसा खर्च हो रहा है वो ठीक से खर्च होना चाहिए।
नगर निगम को नुकसान ही हो रहा है। इतना अगर ये फिर हो गया, मान लो आज टेंडर कितने करोड़ रुपए का है, अब एक साल बाद फिर साल तो मुझे नहीं लगता सर जी काटेगा, मतलब अगर बारिश पड़ी बरसात में फिर हम लोगों को इसी समस्या से जूझना पड़ेगा, तो फिर होगा फिर करोड़ों रुपये खर्च होंगे। तो ये एक ही बार अगर सर हो जाए तो हमारे लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अच्छे से काम हो जाए, इनके ऊपर कोई चेक पॉइंट होना चाहिए, कोई चेक करें इनको, आगे काम हो रहा है। इनका कहना है कि घटिया मटेरियल लगा जा रहा है और कई बार इन्होंने शिकायत की लेकिन प्रशासन का अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अब इसका पूरे काम का जो वर्क ऑर्डर है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, नीचे बेस लगेगा नहीं लगेगा, ये भी जांच का विषय है। ये ना ही इन लोगों को पता है और ना ही इनको इस बारे में जानकारी मिली है। अब देखना ये होगा कि दिलीप पांडे जो स्थानीय जो विधायक हैं, इन्होंने कहा है कि हम शिकायत लेकर भी गए, उनके प्रतिनिधियों को भी बोला, लेकिन काम बदस्तूर जो जैसे पहले चल रहा था अभी भी जारी है। मैं कुलदीप कुमार, डबल ए न्यूज़, दिल्ली।